अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सस्टेन। तो आज का जो टॉपिक है वो CS 602 का जो करंट पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड करंट पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि जल्द अज जल्द मैं उस पर वीडियो बना के आपको वो पेपर जो है वो प्रोवाइड कर दूँ और आपको गाइड कर दूँ कि कहाँ से पेपर आ रहा है, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो CS 606 का पेपर भी मैंने शेयर करना है, क्यों वो मैं आज अपना पेपर देकर आई हूँ। 11:30 बजे मेरा पेपर था, तो वो भी जल्द अज जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो CS 602 का पेपर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि लिखा हुआ है कि ऑल MCQs फ्राम पास्ट पेपर्स जुनेद फाइल एंड वकार फाइल। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि CS 606 की जो जुनेद की और वकार की फ़ाइल है वो आपने लाजमी करके जाने हैं। मोस्टली MCQs वहाँ से आते हैं। तो आपने जो अपने 20 मार्क्स होते हैं आपके MCQs के होते हैं, 20 का जो होता है वो दूसरा क्वेश्चन आंसर का पोर्शन होता है। तो आपने क्या करना है कि MCQs पे ज़रूर मतलब आपने जो है वो तवज्जो देनी है, ताकि आपके 20 वो वाले मार्क्स जो हैं वो पूरे आएँ। ठीक है, तो आपने MCQs के लिए जुनेद और वकार की फ़ाइल लाजमी करनी है CS 602 के रिलेटेड। आगे क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स हाफ दी हुई थी, फुल करनी थी, सूडो कोड लिखा हुआ था ये वाला, टेक्निक्स बतानी थी शेडो लाइटनिंग अफेक्ट्स की, BT1 और Beta2 इनका बताना था विद डायग्राम। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, CS 602 का 8:00 बजे जो पेपर हुआ वो शेयर करने जा रही हूँ। टोटल 23 क्वेश्चन थे, 18 MCQs देखे आपको वकार हादी फाइल और जुनेद की फ़ाइल से आई थी। ये जो फाइल होती हैं MCQs की वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में ग्राफिक्स था एंड टेक्स्ट मोड था, व्हाट आर द स्टेप ऑफ कनेक्टिंग प्लान्स के व्हेन द 3 पॉइंट्स आर गिवन, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। आर्बिट्री एक्सिस से रिलेटेड था, शॉर्ट एक्सप्लेन करना था, लॉन्ग क्वेश्चन, राइट सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले पिक्सल यूजिंग ग्राफिक्स, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स V21 हमने ये डिफाइन, याद नहीं बट ग्राफिक के रिलेटेड था थर्ड वाला क्वेश्चन भी। तो आपको पता चल गया होगा कि जो MCQs हैं वो मतलब आपके आ रहे हैं पास्ट पेपर्स से, और जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कौन से टॉपिक से आ रहे होंगे, या आपको क्वेश्चन देख के अंदाज़ा हो गया होगा। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर तमाम स्टडी मटीरियल जो है वो अवेलेबल होगा। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है। जज़ाकअल्लाह, अपनी दुआ में याद रखें।